लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं, कोई कहता चार संख्या लगी हुई है, ये हुआ हुआ है, वो हुआ है। वहाँ हम MCG ऑफिस में भी गए, वो नहीं। हमारी कॉलोनी में तो पानी वैसे भी 3-4 महीनों से नहीं आ रहा, आधी कॉलोनी में पानी आता है, आधी कॉलोनी में नहीं आता है। नेता गली गली जा रहे हैं सर, वो जब जाते हैं जब उन्हें वोट की जरूरत होती है, बाकी वो बैठ जाते हैं। ओनली हमारे साथ आज हमारे संजय प्रधान जी हमारे साथ खड़े हैं यहाँ, बाकी हमारे यहाँ साथ ना कोई नेता है ना कोई कुछ है। भले ही गुरुग्राम में सियासी सरगर्मियों को लेकर तापमान बढ़ रहा है, सभी उम्मीदवार गुरुग्राम के विकास को लेकर विभिन्न दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मिलेनियम सिटी के लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसी समस्या से त्राहिमाम कर रहे सेक्टर 7 एवं आसपास के लोगों ने बूस्टिंग स्टेशन पर जाकर विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर निवर्तमान पार्षद संजय प्रधान ने बताया कि इस समस्या के बाबत अधिकारियों को बार बार अवगत कराया गया है, लेकिन कोई भी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। प्रशासन बेलगाम हो चुका है। वहीं स्थानीय महिलाओं ने भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते उनकी समस्या का समाधान नहीं करवाया गया तो वे सड़क जाम करने को भी मजबूर होंगे। देखिए मामला ये है, ये जो हमारा सेक्टर 9 का बूस्टिंग स्टेशन है, इस पर जो हमारा वाटर का जो कुआ था जिससे सप्लाई आगे होती थी, इसकी स्लैब जो थी वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी। पिछले 2 साल से अधिक समय हो गया, हमने बार बार अधिकारियों को बोला कि भाई इसको रिप्लेस करा दो, कोई हादसा ना हो जाए। अभी 4 दिन पहले ये स्लैब गिर गई, इसके साथ ही हमारी मोटर भी इसके अंदर चलेगी और सारा गंद हो गया। 4 दिन से हमारा जो क्षेत्र है सेक्टर 9 का जो आखिरी में पड़ता है, वहां पर लोगों को पीने तक के लिए पानी नहीं मिल रहा, जिसके लिए लगातार हम अपने अधिकारियों को चाहे JE है चाहे SGO है एक्शन तक सबको चीफ इंजीनियर तक बताया है, लेकिन किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आज लास्ट में जब हमारे जो लोग हैं रेजिडेंस हैं उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उनके घर में बिल्कुल ही पानी की त्राहिमान त्राहिमान होगा, जब ये हमारी मातृशक्ति आज सड़कों पर उतरी है और अभी भी सुबह 10 बजे से लगभग अब 1:30 बजे का समय हो गया है, सिर्फ हमें एक आश्वासन दिया जा रहा है कि अभी ठेकेदार आ रहा है, अभी कर देंगे, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि आज शाम तक भी शायद ये हो। तो सारी लापरवाही तो अधिकारी की है। आप देखोगे साथ में ही हमने 2.5 करोड़ की लागत से एक दूसरा टैंक तैयार किया था, सिर्फ इसीलिए कि 2 टैंक हो जाएंगे तो दोनों सेक्टरों को पूरा पानी मिलेगा, पानी की समस्या नहीं होगी। 24 घंटे पानी की एक स्कीम सरकार लेके आई थी उसके तहत, लेकिन 2 साल से इसमें हमारी जो 2.5 करोड़ की जो कोष थी वो आज धरी धरी से जो मोटरें हैं वो जाम हो चुकी हैं। सिर्फ एक ट्रांसफार्मर लगना था, 2 साल में हमारे ये अधिकारी एक ट्रांसफार्मर नहीं लगा पाए, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अधिकारियों की मंशा क्या है और कितना काम करने में वो इंटरेस्ट है। कंडीशन बहुत खराब है। मेरा नाम सालू त्यागी सर, और पानी की कंडीशन इतनी खराब है कि हमारे यहाँ हाउसिंग बोर्ड में अंडरग्राउंड टैंक नहीं है बने हुए, ओनली टंकी है ऊपर रखी हुई, किसी की 500 लीटर की किसी की 1000 लीटर की है। उसके साथ हम समझौता कर रहे हैं कि सुबह का पानी बच जाए शाम का पानी बच जाए, बाकी हमारे यहाँ वॉशरूम जाने के लिए भी पानी नहीं है, हम बहुत परेशान है पानी के लिए। और हम आज 10 बजे से यहाँ बैठे हैं और अब हमें 2 बज रहे हैं बैठे बैठे। हम बहुत दिन से, हमें 4 महीने तो पूरे हो गए कि 4 महीने में कि एक टाइम पानी आ रहा दूसरे टाइम पानी आ रहा, हम इस तरह से भुगतते भुगतते और अब 3 दिन से हमारे यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है, 3 दिन हो गए, हमें समस्या का समाधान नहीं है हमारी का। मैं RW प्रेसिडेंट सेक्टर 9 प्रेसिडेंट, जो समस्या है आप थोड़ा देर से आए, यहाँ तो जो है सैकड़ों लोग इकट्ठा थे, आज हम सड़क पे जाम लगाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन पुलिस ने आके हमें रोक लिया कि आप जाम ना लगाएं और हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इंस्पेक्टर साहब अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो है खराब ना हो, इसलिए 2 दिन से ये 2 मोटर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई हैं और सेक्टर में 2 दिन से पानी नहीं आ रहा, उस इशू को लेकर हम यहाँ आए हैं। इशू तो और बतेरे हैं लेकिन प्रेजेंट हमारा इश्यू ये कि 2 दिन से सेक्टर में पानी नहीं आ रहा। सर मेरा नाम रेणु गुप्ता है, मैं सेक्टर 9 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 9 से HVC से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारी इस सोसाइटी में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, इवन 3-4 दिन हो गए, आखिर हार के हमारी सोसाइटी की सारी बहनें यहाँ इकट्ठा है। कल शाम को भी हमारे बूस्टर पंप पे आई है लेडीज, यहाँ बूस्टर पंप पे मोटर गिरी हुई है, इस वजह से एक मोटर चल रही है, एक मोटर के तहत सेक्टर 9 की आपूर्ति ही मुश्किल से हो पाती है और हमारी सोसाइटी में पानी तो पहुँचते पहुँचते टाइम हो जाता है बंद होने का, मोटर बंद होने का। तो हमारी किसी भी कॉलोनी में पानी नहीं पहुँच रहा और सभी परेशान हैं। टैंकर से पानी कह रहे हैं भेज देंगे, लेकिन टैंकर से पानी मंगवाना कोई सोल्यूशन नहीं है, ऊपर वाले फ्लैट वाले पानी लेकर कैसे चढ़ेंगे। हम चाहते हैं मोटर स्टार्ट हो और सभी को पानी मिले, एटलीस्ट एक बार 2-3 घंटे तो चले ताकि थोड़ा बहुत पानी मिले। अब बिसलेरी का पानी मंगा के हम नहा रहे हैं, बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल में नहला के, तो वो कब तक चलेंगे, इतना इन्वेस्ट हम कब तक करेंगे। तो प्लीज़ हमारी सुनवाई हो और ये मोटर ठीक करवाइए।